हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही आसान और अलग तरीके से पॉच करी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनता है। आप भी एक बार मेरे तरीके से पॉच करी जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉच करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 अंडा लिया है। अब हम सबसे पहले पॉच रेडी करेंगे। पॉच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्टील की छोटी वाली 4 कटोरी ली है। अब हम कटोरी में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब हम एक एक कटोरी में एक एक अंडा को फोड़ के डाल देंगे। इसे केयरफुली फोड़े, इसका जो योक है वो टूटना नहीं चाहिए। अब हम इसी तरह से बाकी बचा कटोरी में भी सारे अंडे को फोड़ के डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा नमक को स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम लाल मिर्च स्प्रिंकल करेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा काली मिर्च भी स्प्रिंकल करेंगे। अब इन्हें हम स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए यहाँ पे मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम कढ़ाई के ऊपर चारों कटोरी को रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप इसके जगह पे प्लेट का भी यूज कर सकते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे और इसे हम हाई फ्लेम में 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 5 से 7 मिनट हो चुका है, अब हम ढक्कन हटा देंगे। देखिए हमारा जो पॉच है वो बनके रेडी है। अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। इसे नाइफ की मदद से इस तरह से बीच में डाल के देखें अगर ये लिक्विड नहीं है, यानी कि ये पक चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारी कटोरी को निकाल लिया है और इसको मैं जो पानी था उसे फेंक दिया है। अब हम कटोरी में से पॉच को निकाल लेंगे। इसे निकालने के लिए हम एक स्पून की हेल्प से इसके चारों तरफ इस तरह से कट्स लगाएंगे। ये बहुत इजीली निकल जाता है। चारों तरफ कट्स लग जाए तो स्पून को बीच में घुसा के इसे ऊपर की ओर उठा दें। देखिए कितना बढ़िया पॉच निकल गया है। अब हम इसी तरह से बाकी कटोरी में से भी पॉच को निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे पॉच को निकाल लिया है और कितना बढ़िया सारा पॉच बना है। अब हम इसके लिए करी रेडी करेंगे। करी बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 3 से 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। एक टुकड़ा दालचीनी, एक तेजपत्ता, 6 से 7 काली मिर्च, एक लौंग, एक छोटी इलायची और थोड़ा सा जीरा लिया है। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए खड़े मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम एक बड़ा साइज का फाइन चॉप किया हुआ ऑनियन ऐड करेंगे। अब इसमें हम 2 ग्रीन चिल्ली तोड़ कर डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेंगे, जिससे कि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो अच्छे से चला जाए। देखिए 1 मिनट हो चुका है, अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच सत्तू, आप सत्तू की जगह पे बेसन का भी यूज कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम मसाला को मीडियम फ्लेम में ढक के 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है और हमारा जो मसाला है वो भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर प्यूरी ऐड करेंगे। मैंने 1 बड़ा साइज का टमाटर को मिक्सर के जार में डाल के इस तरह से पीस लिया है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें।
अभी सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम टमाटर को मीडियम फ्लेम में ढक के मसालों के साथ तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसे तेल ना अलग हो जाए। देखिए इसे तेल अलग हो चुका है, यानी कि हमारा जो टमाटर है वो मसालों के साथ अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं हाफ ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर ले और ग्रेवी को ढक के मीडियम फ्लेम में एक उबाल आने तक पकने दें। देखिए ग्रेवी में एक उबाल आ चुका है। अब इसमें हम हाफ चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर लेंगे और इन सभी को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और हम ग्रेवी को फिर से ढक के मीडियम फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। देखिए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम एक बार फिर से ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके पॉच को ऐड कर लेंगे। और इसे हम हल्के हाथों से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसे ध्यान से मिक्स करें, नहीं तो आपका जो पॉच है वो टूट जाएगा। अब हम इसे ढक के ग्रेवी के साथ मीडियम फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुका है। देखिए कितना बढ़िया पॉच करी बन के रेडी है। अब हम यहाँ पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया पॉच करी बन के रेडी है। देखिए यहाँ पे मैंने पॉच करी को सर्व कर लिया है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना लजीज बना है, लेकिन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और आप इस तरीके से पॉच बनाएंगे तो बहुत सारा पॉच आपका एक साथ में बनके रेडी हो जाएगा और आप इसे गर्मा गर्म रोटी, चावल, पराठा, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप भी इस तरीके से एक बार पॉच करी जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।